सिटी 70 के ऊपर 2022 मॉडल के ऊपर। तो आज मैं सोचा था आपको इसके बारे में बताऊं कि इसके अंदर अभी तक होंडा ने क्या चेंजिंग की है, क्या नहीं की। तो उसके बाद इनके ओनर से भी पूछेंगे कि इस ये लेके सेटिस्फाई हैं या नहीं है। चलिए पहले आपको बाइक दिखा देता हूं, उसके बाद इसकी चेंजिंग दिखा देंगे आपको कि बाइक के अंदर क्या चेंजिंग हुई है क्या नहीं। तो आए चलें जी, आपको इसके बाइक के फ्रंट व्हील से आपको दिखाना शुरू करूँ। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो इसके वही 2012 से लेके अब तक ये फ्रंट वाला मोनोग्राम है और इंडिकेटर का जो डिज़ाइन है इसका अभी तक वही है। और साथ ही अगर आपको इसके मीटर की शेप दिखा दूँ, इसके मीटर की शेप है जो वो चेंज हुई है। उसके अलावा देखें मोनोग्राम ये सब कुछ, और जिसमें पहले 2012 से लेके अब तक आ रही है इसकी जो असम्बली है, ये जो पहले से ये एक डिज़ाइन आ रहा है और इसके अंदर भी एक डिज़ाइन आ रहा है। और इसकी टंकी आप देख सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर जो स्पीकर की एडिशन की गई है, एडिशन मतलब चेंजिंग की गई है, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर सीट का भी वही जो 2012 के अंदर डिज़ाइन था वही वाला डिज़ाइन है। और आप बैक से भी देख सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो 2012 में लॉन्च हुई थी वही वाली अभी तक 2022 वाले मॉडल के अंदर भी वही चीज़ें आ रही हैं। एक चेंजिंग की है इन्होंने जो कि ये आपको इंजन के अंदर नज़र आ रही है, ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया। और उसके अलावा ये जो गियर निकालने के लिए जो पीछे वाला, इसको थोड़ा सा मोटा बना दी है। उसके अलावा बाइक के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई, जो है वो बाइक की सिर्फ जो जिस तरह पहले रिवायती तरीके पे आ रहा है कि इसी के जो स्टिकर चेंज होते हैं वही चेंज हो रहे हैं। बाकी इसके जो ऑनर हैं उनसे पूछ लेते हैं कि उन्हें बाइक कितने में पड़ी है और वो इसके साथ राजी हैं या नहीं है, उनके इसके बारे में क्या राय है। तो चले पूछते हैं खान से कि इसने बाइक कितने की ली है और ये बाइक के साथ मुतमिन है कि नहीं है। खान आप बताएंगे कि आपने बाइक कितने की ली है, ये वाली सीट जो आपकी 2022 मॉडल है। ये बाइक हमने ली है 98,000 की, यानी कि 98,000 की। ठीक होगा। नंबर प्लेट भी लगवाई है इसके अलहदा से ऊपर से। अच्छा। तो उसके भी वो भी तकरीबन 5,500 की लगी है। ठीक होगा। मतलब आपको टोटल कितने में पड़ गई है बाइक, यानी कि ये पड़ गई है हमें 1,03,000। ठीक है, 1,03,000। मतलब कि जो मैंने 2015 में मैंने ली थी ब्लाइड फोर, तब मैंने 53,000 की ली थी और अब कितने की हो गई है, 1,03,000 की पड़ गई है। अच्छा, और इसके वजन वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? वो तो जैसे हो जाए, वजन पहले से काफ़ी लाइट है वेट इसका पहले वाली गाड़ी बाइक को। तो चेंजिंग क्या है इस बाइक के अंदर आप बताएंगे ज़रा कि चेंजिंग इस बाइक में क्या हुई अभी तक, जो 2012 से लेके अभी तक इसमें क्या चेंज हुआ है? वेट ही लाइट हुआ है इसका, स्टिकर हो गया, स्टिकर हो गया, मीटर अंदर से ठीक हो गया, बस यही हुई है ज़्यादा। तो इसकी फ्यूल एवरेज आपको क्या मिल रही है अब इस बाइक की? फ्यूल एवरेज भी अच्छी है क्योंकि वेट लाइट होने की वजह से वो भी बढ़ जाती है, आपको भी पता है। ठीक, मतलब अब कितनी 55 दे रही है, 50 से अबव ही देती है ये। सही हो गया, चलो ठीक है। मतलब कि होंडा वालों, बंदे से पुत्र बन जाओ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चेंजिंग करो बाइक में। गरीब बंदा अगर 1,03,000 की बाइक लेता है तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चेंजिंग करो, कोई नई चीज़ें लेके आओ। तो ये 2012 से लेके अब तक वही है। ये क्या फ्यूल एवरेज इसकी ज़बरदस्त है, बाकी जो इसकी शेप है वो पुराने बाइक की तरह ही है, बस 2012 वाले पुराना, वो पुराना नहीं, 2012 से ऊपर वाला। और सिर्फ ये क्या स्टिकर चेंज किए, बाकी आप ये है कि देख सकते हैं बाइक का। आपको अब स्टार्ट करके इसकी आवाज़ वगैरह सुनाते हैं। ये देखिए आपको बाइक का साउंड वगैरह सुनाई दे रहा होगा, और इसके जो सेंसर का साउंड है वो भी माशाल्लाह मुझे तो बड़ा पसंद है। बाकी बाइक का मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ओके भैया।